वो ट्रांसफर्स में उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, अगर मैं वो भी बताऊं ट्रांसफर क्या हुए। इनको कुछ पता नहीं चला, इन्होंने मर्द को भेज दिया कुपवारा और लेडीज को भेज दिया अहमदाबाद, एक ही परिवार के। ये भी इनको जल्दबाजी में समझ नहीं आया हम कर क्या रहे। ट्रांसफर्स हो गई, सरकार ने बहुत कुछ बोला, तो फाइनली हमने उनको बोला देखो ना हमें ट्रांसफर चाहिए ना हमें प्रमोशन चाहिए, हमारे हमें जान चाहिए, जान की सुरक्षा चाहिए। अगर मैं सेफ रहता हूँ तभी तो मेरी ट्रांसफर भी होगी, तभी मेरी प्रमोशन होगी। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मेरी प्रमोशन क्या करेगी, ट्रांसफर क्या करेगी, हाउ कैन इट हेल्प मी, ट्रांसफर कैसे हेल्प करेगी जब मेरी जान ही सुरक्षित नहीं है। तो सरकार से डायलॉग चल रहा था, कश्मीर की बात मैं कर रहा हूँ। फिर हमने एक बार प्रण किया कि नहीं अब जहाँ से जाना है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है, हाँ ट्रांजिट कैंप्स जो कश्मीर में, आप सब भाइयों को पता होना चाहिए जितने भी कश्मीर में ट्रांजिट कैंप्स बने हैं उसमें हार्डली 1000 से भी कम लोग रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट है करीब 6000, 5000 लोग बेचारे वनरेबल हैं जो बाहर रहते हैं, जो दिन में भी डिपेंडेंट है इन्हीं ऊपर, रात को भी जिनके घरों में रहते हैं इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट, डिपेंडेंसी टोटल उसी पे है। जब वहाँ हम सेफ नहीं फील किया हम लोगों ने जो ट्रांजिट कैंप्स में रहते हैं, तो वो जो बाहर रहते थे बेचारे वो कहाँ से सेफ है, वो तो 24 आवर्स इसी प्रेशर में जेल रहे थे। तो हमने एक फैसला लिया कि भाई जान बचाना हमारा पहले परम धर्म है, तो हम यहाँ से निकलेंगे बाद में देखेंगे। तो हमने शिफ्ट किया और एजिटेशन शुरू की जम्मू में, यहाँ आके हम एजिटेशन नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं भाई हमारी जान की सुरक्षा दे दो और कुछ नहीं चाहिए, ना हमें प्रमोशन आपकी चाहिए, ना आपकी ट्रांसफर पॉलिसी स्क्रैप कर दो इसको हमें नहीं चाहिए, हमें जान की सुरक्षा चाहिए। तो तब से आज तक, आज के डेट तक सरकार का कोई नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। इनफैक्ट हम बहुत सारे जगह पे गए, क्योंकि ये मैं अपॉर्चुनिटी ले लूँगा बोलने के लिए, हमने बीजेपी के दफ्तर में जो करंट डिस्पेंसेशन है उनके ऑफिस भी गए, उनके लोगों से हम मिले भी, मगर हमें आश्वासन ही मिलता गया आप वेट करो आप वेट करो आप वेट करो कुछ नहीं होगा। मगर हमें, हम वेट करते गए 4 महीने, कितने दिन हो गए आज, 130 दिन, 130 days है पास्ट, 130 दिन हमने वेट किया, मगर हमें कोई रिटर्न आश्वासन सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया। वर्बली सारे बोलते हैं मगर हमारे साथ क्या दुर्भाग्य होता है, हमारी सैलरीज बंद हो गई, हमारे शोकाज नोटिस आने लगे,